गई है। माता रानी ने हमारी बहुत मन्नत पूरी करी है। ये हमारा रुआ है जो बन के रेडी हो चुका है। सबको दर्शन करा दिया जाए माता रानी के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राज ड्रीम वे पे आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली को बहुत प्यार से रख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और फैमिली लोग देखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपको वीडियो में ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत अच्छा लगा आपको। तो दोस्तों पीछे जो व्यू देख रहे हो, मैं एक बार पहले वो दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और जो ये पीछे पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है, जैसे आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, तो ऊपर माता रानी का वहाँ पे भवन है और ये अर्धकुंवारी है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जहाँ से आप अच्छे से देख पाओ। ये अर्धकुंवारी है और ये ऊपर जो दिख रहा है माता रानी का भवन है। तो मैं सोचता हूँ मॉर्निंग मंडे में एक बार आप सबको दर्शन करा दिया जाए माता रानी के। और इस तरफ से सूरज उदय हो रहा है। खैर थोड़ा सा हाइट कम है पर बहुत अच्छा, मैं अपनी आंखों से जो व्यू देख पा रहा हूँ ना, वो कैमरे में शायद उतना अच्छा जज नहीं आ रहा है, पर बहुत प्यारा व्यू है सुबह सुबह का, बहुत अच्छा सा, मतलब एक सुकून मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो दोस्तों आज मतलब अंतिम दिन है आज का, यहाँ पे लास्ट नहीं बोलूंगा मैं, अंतिम दिन है यहाँ से और फिर यहाँ से हम निकलने वाले हैं। तो कुछ प्रसादी वगैरह बना रहे हैं ये भैया है यहाँ पे, ये हलवा वगैरह सब बना रहे हैं। चने उधर रात को उन्होंने भिगो दिए थे, सामान ला के दे देते, तो चने हैं वो भी सब बन जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, आप यहाँ पे आते हो और आपको लगता है यार मुझे प्रसाद वगैरह भी चढ़ाना है ना, तो नंबर आपको मिल जाएगा, इसी व्लॉग में मिल जाएगा नंबर आपको मिलेगा, आप कॉल करके पूछ लो इनसे कि भाई हमको प्रसाद भी बनवाना है, कि आप मेरा वो अरेंजमेंट करवा देंगे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अरेंज करके मिल जाता है, मतलब आना जाना कर देंगे अरेंज, ये आपको पिक कर लेंगे वहाँ से, फिर उसके बाद में आपका रहना वहना, खाना पीना और प्रसादी, मतलब सब कुछ एक घर पे एक जगह पे मिलता है। जैसे घर में सबको सारी फैसिलिटीज मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही होटल पूरा मैनेज कर देता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें क्या है, मैंने पिछले पार्ट में, मतलब जो पिछली बार मैं आया था आज से 3 महीने पहले, मैंने वहाँ पे बताया था, मैं वापस बताता हूँ आपको, कि दिख रहा है सामने, ये बिल्कुल सामने बस स्टैंड है और वो बस स्टैंड से बिल्कुल सीधे ये रास्ता आ जाता है और ये होटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब बाहर आप चाहो तो लोकल वहाँ पे जाके खा सकते हो। इस होटल में सबसे अच्छा क्या चीज़ है कि जो प्राइस आपको लोकल में मिलेगा ना, वही प्राइस में आपको यहाँ पे खाना बिल्कुल घर के जैसा मिल जाता है। देखिए श्रद्धालु वगैरह सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मतलब ये मान लो कि आप 24 घंटे में यहाँ पे और लोगों का आना जाना लगातार लगा ही रहता है। तो चलिए रेडी होते हैं, फिर जब प्रसाद बन जाएगा तो चलेंगे, चल करके भक्त गणों को कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जो प्रसाद खिलाए उनसे, उनकी मुराद भी पूरी हो। माता रानी ने आज इस लायक कर दिया कि हम यहाँ पे आके प्रसाद बांट सकते हैं। मैं चाहूंगा माता रानी सबको इस लायक करे ना कि वो यहाँ पे आकर के ना लोगों को भोजन भी ग्रहण करा पाए, मतलब खाना वाना खिला पाए, उनकी सेवा कर पाए। मैं चाहूँ सबको माता रानी वो दे जो सबको चाहिए। चलिए जय माता दी, फिर अभी मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ी देर पहले इनके पैरों में दर्द हो रहा था, तेल वगैरह ला के मालिश किए और मेरे शूज हमेशा चोरी कर लेते, मेरी ही चीजें ज्यादातर चोरी करके पहनती है ये। तो इनको ले चल रहा है ऊपर, ले चल करके माता रानी का दर्शन करवाएंगे। ये हमारी मम्मा हो गई और हम सबकी मम्मा वो आ गई। चलो दर्शन करती हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारा हलवा है जो बनके रेडी हो चुका है और चने यहाँ पे बन रहे हैं अभी। हाँ लाया वो दोनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जैसे मैंने वीडियो में बोला था अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे फैसिलिटीज है, बात कर लेना, नंबर आपको मिल जाएगा। तो प्रसाद वगैरह बनाना चाहो तो बन जाते हैं यहाँ पे। चलो अभी रेडी होता है फिर मिलते हैं। तो दोस्तों नाश्ता टाइम, नाश्ता में खा रहे हैं हम पास्ता, पास्ता खा रहे हैं ना। ये है चूड़े की बनी नमकीन, ये मम्मी के हैं, गुन्नू खा रही हैं बिस्किट। तो हम सब बैठे हुए हैं, चुटकी इधर सो रही है, हम सब नाश्ता करके कंप्लीट करते हैं, नाश्ता करके फिर आते हैं और आपके साथ मिलकर मजे उड़ाते हैं। तो ये हमारा प्रसाद है, अभी एक भगोना और आएगा, ये हलवा मम्मी भी लेके आ रही है दोना, और मेरा काम है आज रिकॉर्डिंग करने का। आगे
खुली का पट्टे चले मम्मी आ गई है। चलो चल चलो बनु आज कुल्लू के बर्थडे, मतलब बर्थडे कल था बट हम लोगों ने सोचा था कि हलवा और चना बांटेंगे, तो कुल्लू के पापा, मेरे पापा, मम्मी हलवा चना, मतलब जो भी लोग जाएंगे प्रसाद के तौर पे बांट रहे हैं, क्योंकि माता रानी ने हमारी बहुत मन्नत पूरी करी है इसलिए हम लोग बांट रहे हैं। पूरी शॉप जहाँ हम खाना खा सकते हैं, ये न्यू शॉप, ये न्यू होटल है, ये हमारा होटल, ये शॉप्स लगी रहती हैं, ये देखो पूरे लोग हैं, और ये देखो ये माता रानी के दर्शन, ये रहे पापा हमारे जो बांट रहे हैं हलवा। बोलो माता रानी की जय। ये हमारा होटल है जिसमें हम पहली बार रुके थे जब मैं इनके साथ फर्स्ट, ये तो बहुत सालों से रुक रहे हैं बट जब मैं पहली बार आई थी तो इसी होटल में रुके, इस बार ही आए, माता रानी करें हर बार ही आए तो यहीं रुके। बहुत अच्छा होटल है और बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। भीड़ लग गई है प्रसाद प्रसाद बांटने का था, प्रसाद पूरा कम्प्लीटली बांट दिया है हमने और बहुत अच्छी रचा, मुझे पता नहीं था, अभी मैं खाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कैसा टेस्ट है, मैं खा के बताऊंगा। वैसे लोगों को दिया, लोगों ने सबने, जितने श्रद्धालु है सबने बोला कि भाई प्रसाद बहुत अच्छा लगा खाने में, तो प्रसाद पूरा कंप्लीट बट गया है। चलो बोलो माता रानी की जय। तो प्रसाद बांट दिए, चलते थोड़ा सा नाश्ता वगैरह है प्रसाद का कर लेते हैं और फिर देखते हैं अगर ठीक है। भाई मैं बैठने के चक्कर में था, इनको बाणगंगा घुमा देते हैं, तो आप आएगा ना आगे जो व्यू आएगा बाणगंगा के दर्शन करने चलते हैं, वहाँ पे घूम के आते हैं। बहुत स्वाद है ना।